अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ नाज़िया इमरान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये मैं आपके साथ 14 अगस्त से एक दिन पहले का व्लॉग ये शॉपिंग करने के लिए। ये देखें इतने ज़बरदस्त प्रिंट वाले, और 14 अगस्त पाकिस्तान बना हुआ, कुछ वाइट थे कुछ मिक्स थे, ग्रीन एंड वाइट थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन जो मदर्स थी बच्चे वो लेने के लिए एक्साइटेड थे, और जो मदर्स थी उनको था कि स्कूल की तैयारी की जाए बच्चों की। तो ये यहाँ पे कुछ मदर्स बोटल्स लेनी थी, तो मैंने भी इनकी वाटर बोटल लेनी थी, तो ये वाली शॉपिंग की मैंने यहाँ पे वाटर बोटल की। ये जैनी ने अपने लिए ग्लास लिया। जैनी कहती मैं यहाँ इसमें दूध पिया करूँगी अपना, तो उसने फिर ये वाला ग्लास लिया कि और चूज़ करना उसको मुश्किल हो रहा था कि मैं कौन सा लूँ, ये वाला लूँ कि दूसरे वाला प्रिंट वाला। फिर उसने उसको ब्लू वाला पसंद आ गया, वो वाला उसने लिया। और आनिया जब जाती है, आनिया को बस वो होता है कि मेरी ही शॉपिंग होती रहे, तो उसको बहुत सी चीज़ें पसंद आ रही थी, उसने कुछ शॉपिंग कर ली। और मुझे ज़्यादा क्रॉकरी अच्छी लगती है, मेरा क्रॉकरी की तरफ होता है कि मैं क्रॉकरी देख लूँ। तो ये एक और स्टॉल पर रुके थे यहाँ पर, फिर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने वैसे भी लिए ही नहीं थे। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा आप वो जो मतलब ड्रेसेस हैं वही पहन लेना, और सेलिब्रेशन जो करनी है वो तो बंदा वैसे भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है ये मतलब कपड़े पहनने ही हैं। तो फिर हम मैंने लिए ही नहीं वैसे भी ना ये कपड़े फिर। और इंतहा का रश था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हमारे ये भी है ना कि वेट नहीं करना कि चलो जो पहले जा रहा है उसको जाने दो ताकि पीछे वाला आसानी से गुजर जाए, नहीं जो पीछे वाला है ना उसको जल्दी से आगे जाना होता है, तो इस तरह ना फिर रश ज़्यादा हो जाता है। और मार्केट्स में ज़ाहरी बात है कि वो शॉप्स भी होती हैं, स्टॉल्स भी लगे होते हैं, फिर ये बाइक्स की वजह से और ज़्यादा रश हो जाता है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन बाज़ दफ़ा हो जाती है कि जब इस तरह के इवेंट्स, स्पेशली इवेंट्स आते हैं ना, तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये अरूश के लिए बैग लेना था, अरूश का एडमिशन न्यू करवाना है, तो उसको येलो कलर पसंद है, तो उसकी येलो कलर की बैग ढूंढ रही थी मैं, लेकिन मुझे यहाँ पे भी येलो कलर नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा मैंने शॉप्स देखी, छोटे बैग्स तो वैसे ही नहीं कह रहे थे आ रहे, और जो आ रहे थे उनमें येलो कलर नहीं था, आगे बस ठीक है ग्रीन भी इसमें से निकालने वाला नज़र आ गई। लेकिन फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये बहुत जल्दी टूट जाती है, और ऊपर कितना मेटल की ही ले लेना, रहने दो उसे, तो क्योंकि ये बहुत नाजुक सी अब आती है, बहुत चीज़ अब आती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो बस इसने फिर यहाँ पे चीज़ की शॉपिंग कर ली। और ये मैंने यहाँ पे सोफा कवर देखा था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन बैठी ना दोनों एंजॉय करती है, ये रिक्शे में और बाइक पे ना ज़्यादा एंजॉय करती हैं, गाड़ी में तो बैठती नहीं है, बैठते इनको लगता है कि जैसे ना स्पेशली मोहित और जैनी ना इनको फील होता है कि जैसे ले लें आप, खेल के साथ चल के दिखाएं। यहाँ पे स्टाइलों पे सेल लगी हुई थी, तो आने के तो मामा चले हुए सब करके आते हैं, हो गया। लेकिन जब मैंने टाइम देखा बहुत ज़्यादा हो गया, चलो चलते हैं, से देखने वाली होती हैं नहीं, निकल आया क्योंकि अभी मैंने रोश का बैग लेना था वो नहीं लिया। तो यहाँ पे भी ज़्यादा पिंक कलर में ही नज़र आ रहे थे, येलो कलर में कोई नहीं नज़र आ रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा देखा। तो
फिर अब मैं दोबारा तसल्ली से मैंने कहा जाऊंगी, बच्चों के साथ शॉपिंग भी नहीं होती जब ये लोग साथ होते हैं ना, और यहाँ पे ये लोग अपना एंजॉय करने लग गए, तो बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ध्यान ही बच्चों की तरफ लगा रहता है कि इधर उधर। मोहित को ये सरप्राइज़ दिया था हमने, इसके टॉय लेके आए थे, तो वो इतना खुश हुआ ना देख के टॉयज़। तो उसने मुझे ना फ्रूट्स का कहा था, तो वो बस रुकी नहीं, फ्रूट्स ज़्यादा इमरान ही लेके आते होते हैं, तो मैंने जब इसने अपने टॉयज़ देखे तो इतना खुश हो गया, आनिया बाकी चीज़ें दिखाने लग गई। तो वो सबके लिए ही थी इसलिए सबका मूड फ्रेश था। ये जी उसकी अरोश की है साइकिल, लेकिन उसको पसंद नहीं आई, वो कहती मुझे येलो कलर की चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट डेट 14 अगस्त था, तब नहीं, फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट 15 अगस्त को हम जाके वापस करके आए, और अरोश के लिए हम लोग लेके आए येलो कलर की साइकिल जो कि अरोश को बहुत पसंद आई है ना अरोश। तो ऊपर नहीं गया ना, सब बच्चों ने उसके बाद फैसलाबाद में ये नाइट का है, नाइट में बहुत ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ जगह पे ही आतिशबाजी हो रही थी, बस वो थोड़े बहुत बैठ के भी मैंने, और सब बात है भाई लोग गए थे तो उन्होंने भी बनाई भाजी ने, तो फिर मुझे भी रश के दिनों में हम लोग कम ही निकलते हैं इस वजह से, रोटी के साथ भी, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी बस चलते हैं वहाँ पे ना जाके।